दीक्षा भूमि में तगड़ा पुलिस का बंदोबस्त। 8 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में 63वां धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस आयोजित किया जा रहा है। हर वर्ष यहां श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और इस बार भी बड़ी संख्या में दीक्षा भूमि में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। कार्यक्रम में कोई गड़बड़ी और अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। सीपी भूषण कुमार उपाध्याय और जॉइंट कमिश्नर रविंद्र कदम ने आला अधिकारी के साथ बैठक कर बंदोबस्त की तगड़ी तैयारी कर ली है। कार्यक्रम को तगड़ा देखते हुए तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है। रविवार की रात सीपी उपाध्याय ने खुद दीक्षा भूमि पहुंचकर आला अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उनके साथ DIG बीजी गायकर, DCP विवेक मासाल और विक्रम साली भी मौजूद थे। जंगली सुअरों का आतंक किसानों में चिंता। भंडारा जिले में पिछले 4-5 वर्षों से कम हुई बारिश की वजह से कावली तहसील में खेती के उत्पन्न में घट हो रही थी, किंतु इस वर्ष बारिश का आगमन जोरदार होने से किसानों की अपेक्षा बढ़ी थी, किंतु जंगली सुअर के आतंक की वजह से परिसर के किसान फिर से चिंता में अटक गए हैं। इस कारण हल्के जमीन की फसल अच्छा उत्पन्न देगी ऐसी अपेक्षा में लगे थे किसान, लेकिन सुअरों ने पूरा पानी ही फेर दिया। बंदोबस्त के लिए किसान कर रहे हैं मांग। आज होगी मां दुर्गा की विदाई, शारदीय नवरात्रि उत्सव अंतिम चरणों में पहुंच गया है। आज 7 अक्टूबर को नवमी के अवसर पर शहर सहित जिले भर में मां दुर्गा की विदाई आरंभ की जा रही है। इसके लिए पंडालों के साथ साथ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक शहर के मुख्य भागों का यातायात बंद रहेगा और सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर खबरें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।